हेलो फ्रेंड्स जावा लैंग्वेज सीखने की इस एक्साइटिंग जर्नी के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 19 का पार्ट टू है और इसके अंदर हम सीखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावा यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं इनका क्या यूज होता है और कितने टाइप्स के होते हैं इसके पिछले वाले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर नाइनटीन के अंदर हमने देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर और लेक्चर नंबर 19 के पार्ट 0 के अंदर हमने ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन देखा था तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर नंबर 19.0 और 19.1 देख लिया है अगर आप ऑपरेटर्स का बेसिक प्लस आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जानना चाहते हो अगर आपका मोटिव सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर्स को जानना है तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर तो देखिए सबसे पहले हर बार की तरह हम सबसे पहले ऑपरेटर्स की डेफिनेशन जान लेते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जो कुछ ना कुछ टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किस पे वेरिएबल्स पे और वैल्यूज पे और डेटा पे ठीक है हमारे पास कई सारा डेटा होता है रियल वर्ल्ड के अंदर उनके ऊपर हमें किसी न किसी तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं क्यों ताकि हम उनको मैनिपुलेट करके कुछ डिजाइन रिजल्ट ले सके जैसे आपको दो नंबर दिया गया है अगर आप उनको ऐड करना चाहते हो तो आपके लिए एक ऑपरेटर दिया गया है ने प्लस ठीक है इसी तरीके से सब्ट्रेक्शन के लिए माइनस डिवीजन के लिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार ऑपरेटर दिया गया है ठीक तो है उनको उनके बिहेवियर के हिसाब से उनके यूज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में डाला गया है ये टोटल आठ कैटेगरीज है तो आज हमारी सेकेंड कैटेगरी है असाइनमेंट ऑपरेटर तो देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज क्या होता है अभी आप इसकी डेफिनेशन में ना जाके मैं आपको कि हम जावा के अंदर क्या करते हैं? को स्टोर है, कुछ कुछ कर करते हैं जैसे हमारे पास क्या है कि मान लीजिए आपका एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम है और वो एडिशन परफॉर्म कर रहा है तो एडिशन के लिए वो क्या कर रहा है मान लीजिए दो नंबर को एड करता तो हमने एक वेरिएबल बनाया इन ए एक बनाया इंट बी और एक बनाया तीसरा वेलेबल इंट सम ठीक है अब सम के अंदर हम क्या डालेंगे ए प्लस बी अब देखिए यहां पे ये इंट ए लिखने का मतलब क्या हुआ कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर हमें एक वैल्यू को स्टोर करना है ताकि हम उसको दूसरी वैल्यू के अंदर एड कर सकें अब अगर अपन वैल्यू को कहीं पे स्टोर नहीं कर पाएंगे तो इनको अपन आगे ऐड नहीं कर पाएंगे इसलिए हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं जो अपनी रैम होती है

अब देखिए जैसे ही यूजर नंबर डालेगा मान लीजिए यूजर ने फर्स्ट नंबर डाला सात तो मैंने इस मेमोरी लोकेशन के अंदर डाल दिया यूजर ने दूसरा नंबर नो डाला तो मैंने इसके अंदर डाल दिया अब हम क्या करेंगे इन दोनों मेमोरी लोकेशन के जो एड्रेस है इनमें जो भी नंबर पड़ा है उनको ए एल यू को देंगे और एएल यू क्या करेगा इन दोनों नंबर को एड करके जो रिजल्ट आएगा वो इसके अंदर डाल देगा ठीक है तो वेरिएबल्स क्या होते हैं Placeholder होते, हैं जिनके अंदर अपन कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं अब वेरिएबल किस टाइप के हैं ये करता है उनके data से। तो अभी अपने को यह नहीं जाना है ठीक है? लेकिन variables के के अंदर अंदर मैंने आपको क्या बताया? हम कुछ डेटा कुछ स्टोर करते हैं ठीक है और इसी वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर काम में आता है ठीक है अब नाम में तो बहुत अजीब लग रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर है क्या सिंपल इक्वल

डबल इक्वल बी डबल इक्वल का मतलब क्या है अब आप चेक कर जो ए के अंदर वैल्यू है क्या वो बराबर है बी के और अगर आप ये लिखते हो ए बराबर बी इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो बी के अंदर वैल्यू है वो आप डालना चाहते हो ए के अंदर मान लीजिए कि बी के अंदर नाइन पड़ा है तो अब ए बराबर बी लिखने का मतलब क्या हुआ कि अब जो ए के अंदर वैल्यू है वो भी क्या आ गई नाइन आ गई लेकिन आप चाहते हो कि मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ए इक्वल है क्या बी के यानी ए के अंदर जो वैल्यू है वो बराबर है क्या बी के तब आपको क्या है डबल इक्वल ऑपरेटर काम में लेना है ये अपन आगे जानेंगे आज हमारा ऑपरेटर कौन सा है असाइनमेंट ऑपरेटर ठीक है जिसका यूज क्या है

प्लस इक्वल टू देखिए इसका सिंपल सा मतलब क्या है अगर मैं लिखता हूं ए के अंदर वैल्यू डाल दो ए प्लस वन या फिर ए के अंदर वैल्यू डाल दो ए प्लस बी ठीक है तो इस तरीके से यानी कि अगर आपको एक वेरिएबल के अंदर किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ऐड करनी है जैसे

तो ए के अंदर आप डाल दो ए प्लस वन का मतलब क्या हुआ A के अंदर डाल दो नाइन प्लस तो आप इस तरीके से करना चाहते हो तो इसका शॉर्टकट क्या होता है लेकिन ये शॉर्टकट आपके तभी काम आएगा जब आपका लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल है वो राइट right साइड में भी दिखे ठीक है तो यहां पे आपको दिख रहा है तो इसका क्या करना है आपको शॉर्टकट क्या है आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से लिख सकते हो क्या ए और कौन सा सिंबल है प्लस उसके बाद में इक्वल टू वन ठीक है अगर आप ये लिखते हो तो इसका मतलब सिंपली क्या होता है ए इक्वल टू ए प्लस वन ठीक है अगर आप ये लिखते हो ए प्लस इक्वल टू बी इसका मतलब क्या हुआ ए के अंदर एड कर दो ए प्लस बी को तो ये क्या कंपाउंड Assignment operator है। लेकिन ये क्या होता है कभी कभी देखने वाले को कंफ्यूजन लग सकता है कि A plus equal to B, तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स तो कर नहीं करते हैं लेकिन अगर आप चाहते हो तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस इक्वल टू बी ठीक है सिंपली अगर आप ये चाहते हो अगर मैं दिखाऊक्वल टू ए माइनस वन या फिर a equal to a minus b तो इसके लिए आप सिंपली क्या लिख सकते हो a minus equal to 1 a minus equal to b ठीक है तो आप ये भी लिख सकते हो लेकिन क्या हो अगर आपको इस तरीके से लिखना हो कुछ इसको मैं एक बार मिटा देता हूं आपको इसके दिया हुआ a equal to minus a minus 1 क्या आप इसको लिख सकते हो क्या असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ इसको अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा अभी आपको सिंपली इतना ही समझना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज क्या होता है कोई भी एक वेरिएबल है अगर आप उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हो तब आप काम में लेते हो असाइनमेंट ऑपरेटर को ठीक है अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है जैसे आप अगर कुछ इस तरीके कैलकुलेशन करना चाहते हो a b ए इक्वल टू ए प्लस वन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप असाइन करना चाह रहे हो ये वाली वैल्यू लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड के अंदर भी दिख रहा है तो इसका आप शॉर्टकट काम ले सकते हो ए प्लस इक्वल टू बी या फिर ए प्लस इक्वल टू वन हालांकि ऐसा आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत कम बार करेंगे लेकिन आप ऐसा कर सकते हो अब इस प्लस की जगह आप माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आप सारे ऑपरेटर काम में ले सकते हो तो फ्रेंड्स चलिए अब इसको अपन प्रैक्टिकली देखते हैं जिससे अपने को चीजें और ज्यादा समझ में आए ठीक है क्योंकि थ्योरी के अंदर तो ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे तब अपने को नई नई चीजें सीखने को मिलेगी तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी के फटाफट मैं चलता हूँ अपने इंटेजे पे और वहां पे

कर देता है। तो मेरी का नाम भी चेंज हो चुका है अब देखिए मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट ए अब मैं चाहता हूँ इस वेरिए अंदर अभी क्या वैल्यू अपन वो चेक करते हैं ठीक है अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूं तो देखिए अभी क्या प्रिंट होता है ये सिंपली हमको एरर ही दे रहा है कि वेरिएबल आपने बना तो लिया है लेकिन इसके अंदर आपने कोई वैल्यू नहीं डाली है

तो देखिए मेरे पास आउटपुट में 10 आ चुका है इसका मतलब अभी तक अपना चीज सही है तो हमने ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर जान लिया है। अब क्या है कि मैं चाहता हूं कि a के अंदर अपन क्या डाल दें a plus 5 कर दें ठीक है अब a के अंदर मैंने a plus 5 किया अब मैं अगर इस a को प्रिंट कराता हूं तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा 15 देखते हैं 15 प्रिंट होता है क्या फ्रेंड्स अगर आपको ये फोन वगैरह छोटे दिखते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं लेकिन अपने पास कंडीशन क्या होनी चाहिए जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है वो एक बार राइट हैंड साइड में आना चाहिए ठीक है चलो तो इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं इसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस इक्वल टू फाइव अब देखिए मैं

देखिए हमारे पास रिजल्ट बिल्कुल सेम आया कि a के अंदर हमने क्या किया a प्लस इक्वल टू फाइव कर दिया अब क्या अपन ऐसा कर सकते हैं क्या a इक्वल टू माइनस ए प्लस फाइव अपन ऐसा चाह रहे हैं क्या अपन इसको असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं क्या ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा क्योंकि मैं आपको असाइनमेंट देता हूं लेकिन आप कभी भी उस असाइनमेंट को पूरा नहीं करते हो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या हम इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या ठीक है ये आपके लिए असाइनमेंट है अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो मैं इसका सोल्यूशन टेलीग्राम पे जरूर आपको बता दूंगा ठीक है लेकिन ये आपके लिए एक क्वेश्चन है ठीक है चलो अब अपन बाइक की सारे कंपाउंड ऑपरेटर को जान लेते हैं जैसे मेरे पास इंट ए है ए के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी फाइव ठीक है और एक वेरिएबल मैंने बना लिया इंट बी जिसके अंदर मैंने डाल दी टी अब देखिए मैं चाहता हूं एक के अंदर डालना चाहता ए प्लस बी इसको कैसे लिखूंगा A के अंदर में डालना चाहता एक प्लस बी तो क्या मैं इसको असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से लिख सकता हूं सिंपल रूल देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड में आ रहा है जरूर आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो A, आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है वो लिखिए उसके बाद आपको कौन सा सिंबल है प्लस तो प्लस लिखिए और उसके बाद में जो भी सिंबल है वो बी लिख दीजिए लेकिन उससे पहले आपको क्या लिखना है इक्वल टू लिखना है सॉरी उससे पहले इक्वल टू लिखना है तो इस लाइन का भी मतलब क्या हुआ ए प्लस इक्वल टू बी का मतलब क्या हुआ एक के अंदर डाल दो ए प्लस बी टेस्ट करते हैं अपने पास रिजल्ट क्या आना चाहिए फाइव और टेन फिफ्टीन आना चाहिए एक के अंदर यहाँ पे नीचे देखिए मैं ए प्रिंट करा रहा हूं तो एक के अंदर क्या आना चाहिए फिफ्टीन आना चाहिए चलो वेट करते हैं थोड़ा सा और देखिए हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है सिंपली अगर आप लिखते हो ए मल्टीप्लाई स्टार बी इसका मतलब क्या है ए इक्वल टू ए स्टार बी यानी कि टेन इंटू फाइव फिफ्टी आना चाहिए अपने पास ठीक है फिफ्टी आ गया सिंपली मैं यहाँ पे डिवाइड भी काम में ले सकता हूं ए डिवाइड इक्वल टू बी का मतलब क्या हुआ सिंपली इक्वल टू ए डिवाइड बी ठीक है देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है देखिए हमारे पास रिजल्ट में जीरो आ गया जीरो क्यों आया देखिए जीरो नहीं आना चाहिए क्यों क्योंकि फाइव में अगर आप टेन का भाग दोगे तो जीरो पॉइंट फाइव आना चाहिए लेकिन अपने पास जीरो क्यों आया इसके पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको रूल बताया अगर आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हो तो आपका रिजल्ट हमेशा जीरो आएगा ठीक है तो इसको आपको क्या करना है डेसीमल में कन्वर्ट करना है तो डेसीमल में कन्वर्ट करने के कई सारे तरीके होते हैं जो अपन बेस्ट तरीका है जो प्रॉपर तरीका है जो स्टैंडर्ड तरीका है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अभी के लिए मैं आपको सिंपली शॉर्टकट बता देता हूं ये गलत तरीका है लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट आपको दिख तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा जो ए है इसको आपका सबसे पहले डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी इसका अभी आपको मतलब नहीं जानना है बस मैं आपको अभी इस ऑपरेटर का मतलब समझा रहा हूँ तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ए डिवाइड बाई बी कर रहा हूँ और फिर इसको से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए अपने देना है सिर्फ और सिर्फ इस ऑपरेटर का मतलब जानना है ठीक है अब चलिए इसको मैं वापस से इंट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको हटा देता हूं ठीक है और अब मैं क्या चाह रहा हूं ए मोडुलस इक्वल टू बी इसका मतलब क्या हुआ देखिए ये अपने पास रिजल्ट कह रहा है वेरिएबल अपडेट्स डस नथिंग ठीक है ये जो भी आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ ए इक्वल टू ए मोड बी यानी कि सबसे पहले आप राइट right साइड के अंदर की जो भी वैल्यू है उसको कैलकुलेट करो उसके बाद में इसका जो भी रिजल्ट आए वो ए के अंदर डाल दो देखिए जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है इसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है तो यानी इसके अलावा जितने भी

बी इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि ए बराबर है बी के नहीं इसका मतलब ये हुआ जो बी के अंदर वैल्यू है वो आप ए के अंदर डाल दो देखिए अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं तो इस लाइन का सिंपली मतलब क्या हुआ जो बी के अंदर वैल्यू है वो आप ए के अंदर डाल दो तो एक के अंदर अब क्या आएगा टेन आएगा देखिए टेन आ गया अगर आपको चेक करना है कि क्या ए और बी बराबर है क्या तो इसके लिए आपको क्या करना है इस डबल इक्वल सिंबल को काम में लेना है जो अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अभी सिर्फ आपको ये वाला सिंबल जानना है तो फ्रेंड्स अब मैंने आपको जो एक क्वेश्चन छोड़ा है आपके ऊपर आप मुझे उसका आंसर दीजिए और आप इस वीडियो की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि फ्रेंड्स छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपके पूरे सॉफ्टवेयर को खराब कर सकते हैं इसलिए आपको यह सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए थैंक यू